हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं पहुंचने वाला हूं नागपुर रेलवे स्टेशन पर। नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, ये जो ब्रिज है ये लंदन की जो ब्रिज है सेम इसी तरह दिखता है। बहुत ही खूबसूरत इस रेलवे स्टेशन का ब्रिज है, अभी आपको दिखाता हूं आगे। ये देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, जो कि स्टार्टिंग में देखिए कितनी लाइनें यहाँ पर बिछी हैं। बहुत भारी रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा। यशवंतपुर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन चलती है, जो कि सिकंदराबाद होते हुए, नागपुर होते हुए, ये यूपी होते हुए गोरखपुर पहुंचती है, जो कि बहुत ही लंबा इसका रूट है। नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है, आप देखिए एंजॉय करिए। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले ही हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन का इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद ये जर्नी करेगी आगे, जो कि मध्य प्रदेश होते हुए भोपाल होते हुए आगे जाएगी। नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, एक ट्रेन यहाँ पर खड़ी है जो कि जाने वाली है। पहुँच गए नागपुर रेलवे स्टेशन। देखिए कुरियर का कितना सामान यहाँ पर रखा है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है नागपुर। ये नज़ारा देखिए, जो ब्रिज है ब्रिज बहुत ही खूबसूरत एवं लाजवाब है। ये नागपुर बहुत ही भारी सिटी है, बिग सिटी माना जाता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। मेट्रो भी चलती है यहाँ पर और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। ये देखिए नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत जगह ये है नागपुर। इसके पास में ही पड़ता है बल्हार शाह का एक बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है। बल्हार शाह चंदपुर के पास में ही पड़ता है, जो कि वो भी महाराष्ट्र में ही है। और यहाँ से ब्रिज का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत ब्रिज बना है। स्टे तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन ट्रेन में से ही देखा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, मैंने सोचा आपको इसका नज़ारा ज़रूर दिखा दूँ कैसा है नागपुर का रेलवे स्टेशन। बाहर से देखने में और खूबसूरत लगेगा, इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये ऊपर से एक ब्रिज गया है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, सेम लंदन ब्रिज की तरह दिखता है। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।